मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि मुमरा कौसा में कुछ महीनों पहले जो है जिस तरह से रात के समय दुकानें बंद करा दी जाती थी, उसी तरह से दुकानें बंद कराने की मांग को लेकर जो है मुस्लिम लीग पार्टी के जो है लोग यहां पर मुमरा पुलिस स्टेशन आए हैं और उन्होंने लेटर दिया है, मांग की है कि जिस तरह से पहले दुकानें बंद होती थी उस तरह से रात के समय फिर दुकानें बंद कराई जाए। आमिर भाई, आप लोग मुस्लिम लीग पार्टी से हैं और आप लोग मुमरा पुलिस स्टेशन आए, लेटर दिए हैं, लेटर में दुकानें बंद कराने को लेकर रात के समय में क्या मांग की है आपने? अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे दो मुद्दों के लिए यहाँ पे आए थे। एक तो जो रात में जो दुकानें रात भर चालू रहती है, चाय की दुकानें, गुटके की दुकानें और जो होटल वगैरह चालू रहती है, और दूसरा मुद्दा ये था कि स्कूल के और कॉलेजों के आसपास जस्ट गेट के बाहर गुटके बिकते हैं, सिगरेट बिकती है। WHO का गाइडलाइंस ये नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कानून ये नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का कानून ये नहीं है। इस दो तो जो गुटके की दुकानें उनको वहां से हटाने थोड़ा दूर करने, और जो दुकानें हैं रात भर खुली रहती है जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो है बाहर रहते हैं, वो दो मुद्दों पे खास करके बात करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और क्या हमारा पूरा मामला है हमारे अध्यक्ष साहब जो है आपको बताएंगे। फिर भी तो दुकानें रात के समय जो है वो लगभग 11:30-12 तक तो बंद ही हो जा रही है ना, खास करके जो दुकानें हैं जो हमारे नौजवान जहाँ पे रहते। कौन कौन सी दुकानें बता रहे हैं, कौन लेटर में समय क्या डाला है आपने बंद कराने को लेकर? एज पर द लॉ की बात करें तो जो कपड़े की दुकानें हैं, जो वेजिटेबल मार्केट वगैरह है, वो आपके 10 बजे तक बंद करने का ऑर्डर है। उसके अलावा 11 बजे तक जो तंबाकू की दुकान है, गुटके की दुकान है, वो 11 बजे तक उनका ऑर्डर है। होटल वगैरह 11:30-12 बजे तक वो बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे खास करके मैं देख रहा हूँ नागौरी चाय वाले या अमृताले वाले है, वो शटर बंद करके बाहर अपना जो थर्मास उनका होता है गर्म वाला, वो बाहर खड़े करके रात भर चाय बेचते हैं, 4 बजे तक 3 बजे तक वो चार चाय बेचते हैं। हमारे नौजवान बाहर घूमते हैं, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, जिसकी वजह से ना वो पढ़ाई करते हैं ना वो काम है। रात के 11 बजे के बाद अगर कोई दुकानें खुली है तो उन पर कार्रवाई करके बंद करना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन आप बोले 10 बजे के बाद बंद कर देना चाहिए, 10 बजे के बाद कौन सा कानून है ऐसा किया है कि बंद कर देना चाहिए, कौन सी दुकानें बंद कर देना चाहिए? महाराष्ट्र शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जो कानून है उसके अंदर ये साफ साफ है कि भाई उन्होंने कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया हुआ है कि भाई कपड़े की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है या और भी चीजें जो है, जो एसेंशियल चीजें नहीं है वो 10 बजे तक, और जो एसेंशियल चीजें जैसे दूध की दुकान है और जो भी एसेंशियल चीजें आती है, मेडिकल है, उनको भी टाइम दिया हुआ है। और हमारे मुमरा में ऐसी दो या चार दुकानें हैं जिनको परमिशन है जो एसेंशियल चीजों में नहीं आती है। अच्छा, आप खाली मुमरा की मांग कर रहे हैं या ठाणे और कलवा की भी मांग? हम सिर्फ मुमरा की बात करते हैं, हम जो मुमरा में रहते हैं, हमारा पहले हम मुमरा ठीक करेंगे तो दूसरी चीजें ठीक कर पाएंगे, पहले हम मुमरा की बात करते हैं। अगर मैं मुमरा ऐसा हो गया ना कि मुमरा में सब चीजें अलाउड हो जाती है। एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं 10 बजे तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन आखिर जरूरत पड़ेगी लोगों को तो कहाँ जाएंगे? 11 बजे तक नॉर्मल है, 11 बजे तक जो है बंद होता है, 11:30-11 तक बंद हो जाता है, 12 बजे तक तो पूरा बंद ही हो जाता है मुमरा। कैसा होता है कि हम पूरी दुनिया में सिर्फ मुमरा नहीं है, कलवा भी है, थाने भी है, घाटकोपर है, सायन है, दादर है, वहाँ पे तो लोग रहते हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी लोगों की जरूरत है, हर जगह खुला रहता है ना। अभी मुंबई जैसे इलाके में तो खुला रहता है, 12 बजे तक वहाँ पर मिलता है, 11 बजे तक मिलता है। लौटा रात भर में कितनी बार अपने काम से लौटा हो रात में, लेकिन मैंने देखा दुकानें बंद हो जाती है। बताइए, अगर मुंबई से मुमरा का रहने वाला आदमी मुंबई से 9 बजे अगर ट्रेन पकड़ता है, वो आके मुमरा उतरता है, उसे खाना बना के खाना है, अगर उसके पास हल्दी नहीं है, खाना बनाने की हल्दी नहीं, मिर्चा नहीं, आप बोले 10 बजे दुकानें बंद कराओ, कहाँ से लेगा वो, कैसे करेगा? दुकानें जो है यहाँ पे कानून क्या है कि 7 बजे दुकानें खुल जाना चाहिए, सुबह 7 बजे, 7 बजे से लेके 10 बजे तक, 11 बजे तक। देखो हालात एक दिन में नहीं बदलते, हालत बदलने में टाइम लगता है, 2 महीना 4 महीना 7 साल भर भी लग सकता है। तो मैं नहीं बोलता कल ही से बंद कर दो, आज ही से बंद कर दो, नहीं, लोगों को समझाओ, लोगों में थोड़ा अवेयर, हम तो आज यहाँ पे एक्शन लेने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे अपनी बात रखना है एक अवेयरनेस के लिए, एक चीजें जो है वो ऐसे ऐसे बदलेगी, कल से नहीं बदलेगी, आज से नहीं बदलेगी, तो हो जाएगा। अच्छा, ऐसा खुली अगर 10 बजे जैसे आप बोल रहे 10 बजे 12 बजे तक लगभग बंद ही हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो मेन जो दुकानें हैं, अच्छा एक बार और बता देता हूँ, हम सिर्फ दुकानें बंद करवाने यहाँ पे नहीं आए थे, जैसे कि दीपाली मैडम है,
तो उन्होंने चालू किया था यहाँ पे, वो लड़के खड़े 8-10 का ग्रुप बना के खड़े हैं यहाँ पे गार्डन के पास खड़े हो, ज्यादा शिमला पार्क वगैरह पे आप देखोगे 2-2 बजे तक लड़के ग्रुप बनाए खड़े होते हैं। तो वहां से वो लोगों को लड़कों को घर भगाते थे कि अपने घर जाओ। तो हमने वो भी बोला है कि आप जैसे करते थे मावा, ठीक है ना, वो चीज सही है, लेकिन दुकानें बंद करा देना 10 बजे के बाद। नहीं लेकिन कैसा है ये, कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको 10 बजे बंद करा देना? हम लोगों को हमारे दिमाग में क्यों बंद करा देना, लेकिन हमारे दिमाग में डाल दिया गया क्यों बंद करा देना? कोई मुंबई से अगर मुंबरा का कोई अगर मुंबरा का कोई रहता है, खाना पकाना है उसे, 10 बजे के बाद जरूरत पड़ती है तो कैसे लाएगा? सुबह 7 बजे उठ के आदमी अगर मुंबई जाता है और रात को 10 बजे अपने घर आके पहुंचता है और वो खाना बनाता है, उसे नमक की जरूरत पड़ गई, मिर्ची की जरूरत पड़ गई, तो कहाँ से लाएगा? कोई भी आदमी 7 से 8 बजे काम नहीं करता पूरी रात। अगर आप बोल रहे, अगर आप बोले दुकान बंद रहे, फिर रिक्शे भी तो पूरी रात चलते रहते ना। तो रिक्शा की बात अलग है, लोग यहाँ पे 12:30 की 1 बजे की यहाँ पे लास्ट लोकल है, तब तक तो रिक्शा चलेगी। आते नहीं मुंबई से कोई यहाँ पर मुंबरा वाले, आप पूरा वीडियो चेक कर लोग आते हैं। मैं बोला 7 बजे से, 7 बजे से अगर काम नहीं करता है, यार अगर काम नहीं करता सुबह 7 बजे 5-5 बजे यहाँ से जाते हैं मुंबई लोग, रात में आते 8-9 बजे रात को आते वो, जो 10 बजे जाते हैं, 10 बजे जाते हैं सुबह में, वो रात को 10 बजे आते हैं। और अगर उनको खाना बनाना है, खाना है तो फिर वो कैसे सामान जुटाएंगे? एक होटल में आदमी खाना खाने वाला, आप बोले 11:30 होटल बंद कर दो, 11 बजे होटल बंद करो, वो आता है खाएगा कहाँ? वही चीज बता रहा हूँ, वही हमारे यहाँ पे भी है। हमारे शरीफों पे जो मालवड़ी जो लोग उसकी कम्युनिटी है, जो वहाँ पर बर्तन वगैरह बेचते हैं, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे, मैं कोपर में रहता हूँ और मुझे दुकान बंद कर जाने में 12:30 बज जाते हैं, तब तक मेरे बच्चे सो जाते हैं, और जब मैं सुबह उठता हूँ तब तक बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और हमारे यहाँ पे संडे को बच्चे छुट्टी रहती है और मुमरा में जुम्मा को छुट्टी रहती है, तो हम बच्चों से हमारा टाइम नहीं मिलता। अगर बच्चों को मिलना है भाई तो एक दिन दुकान पहले बंद करके चले जाओ, मिल लो, किसी ने रोका उनको कि आप दुकान मत बंद करो? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि होटल में खाना खाता है तो थोड़ा सा हिसाब किताब चेंज करना पड़ेगा। रात में जागना कोई शान की बात नहीं है, 3-3 बजे रोड पे उतरना कोई शान की बात नहीं है। नहीं, वो अगर 3-4 बजे कोई घूम रहा है या ग्रुप बना के खड़ा, उस पर पुलिस कार्रवाई करे ना, कौन मना करे? आप बोल रहे हो दुकानें बंद कर दो, कानून है और ये कोई शान की बात नहीं है कि 3-3 बजे रोड पे उतरना शान की बात नहीं है। आप लोगों के दिमाग में गलत फहमी डाल दिया गया है कि 3 बजे उतरना शान की बात है, शान की बात है ही नहीं। अब बाकी बात जहांगीर भाई, अभी भी तो 3 बजे उतर, अगर कोई रहता है तो पुलिस तो कार्रवाई करती है कि कहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो, वजह पूछती है, हटाती है उनको। अभी मैटर हुआ था यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2:30 बजे यहाँ पे आया था, कुछ मैटर हुआ था, लोग बैठे थे, अब बल्ली की दुकानें फूड बिक रहा है, बल्ली की दुकानें खुली है, मूंगफली की दुकान, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रोड पे, धंधा नहीं चलता है। ठीक है, वो बल्ली की दुकान है, मैं मानता हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन जो एक जेन्युइन है, जो लोग टैक्स भरते हैं, लाइट बिल जमा करते हैं, 1000 रुपया दुकान का भाड़ा देते हैं, तो उनकी दुकानें अगर बंद हो जाए 10 बजे कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं तो फिर इसके लिए भी सोल्यूशन ये बनता है कि फिर कुछ लोगों को बैठ के, इन लोगों के, खास इन लोगों के लिए जो रात में लेट जाते हैं और खाना खाते, तो उनको अपना कुछ देखना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे लोगों को कुछ उनके लिए सुविधा करनी चाहिए। जो आप बता रहे हैं जो कि राशन की दुकान जो है वो 10 बजे बंद हो जाए, होटल 10:30 बजे बंद हो जाए, और पान और गुटखा की दुकान 11 बजे बंद हो जाए, यानी कि पान और गुटखा वो सबसे लास्ट में है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो गई है ना। यहाँ पे कानून भाषा है, कानून बोल रहा है। मैं ये बोलना चाहूंगा, एक मिनट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो हम लोग ने जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आए और महानगर पालिका के अंदर लेटा, इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे लोग है ना जल्दी खाए और जल्दी सो जाए, रात में घूमे नहीं फिरे नहीं है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो खाते जल्दी है और सो भी जल्दी जाते हैं और 5 बजे जल्दी उठ के काम पे भी चले जाते हैं, लेकिन सबके काम का एक टाइम टेबल है, एक रूल है, किसी को 10 बजे जाना है, कोई रात को 11 बजे आता है, सुबह काम नहीं करते क्योंकि उनको उठते लेट होंगे, सोचने का समय भी कम रहता है, सुबह जल्दी उठेंगे तो सोचने का टाइम भी रहेगा कि हमको करना क्या। क्या लग रहा है, दुकानें 10 बजे बंद हो जाएंगी तो काम हो जाएगा? 10 बजे 11 बजे हर एक का टाइमिंग हिसाब से बंद होना चाहिए, 11 बजे का टाइमिंग 11 है तो 11 मेरा कहने का मतलब है कि हमारा ये इलाका मुमरा, आपने कहा पहले कि मुमरा की बात करेंगे, सारी हम सारी जगह की अगर बात करेंगे, कलवा चले जाइए, आप थाना चले जाइए, डम्ब्यूली चले जाइए, वहाँ पे सब दुकानें 10 बजे बंद हो जाती है। क्यों?
क्यों बंद? वो कानून का पालन करते हैं ना, तो हमारे उधर पालन क्यों नहीं होता है? क्यों पालन नहीं होता? आपको सवाल है, वो उसको याद आता है कि मिर्ची कानून का पालन क्यों नहीं होता? कानून का पालन होता है ना। यहाँ की आबादी कितनी ज्यादा है ये तो देखिए, लोग रात भर चलते हैं, जरूरत के हिसाब से चलते ना, कोई फालतू नहीं। यहाँ से तो थाना की आबादी ज्यादा है, थाना में 10 बजे बंद हो जाता है यार, 10 बजे बंद हो जाती है, 10 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे हम बोले 11 बजे चालू रखेंगे तो भी चलेगा, मगर और यहाँ पे ना फजर में, ना यहाँ पे कोई फजर में उठने वाला, ना सब लोग सोते फजर में और उठते 1 बजे 2 बजे, आपको पता होगा अच्छी तरह की। यानी आप लोगों ने मांग किया पूरा मुमरा 10 बजे के बाद बंद हो जाना। पूरा जो मुमरा है दुकान है, मतलब कोई रोड पे चलना नहीं, क्यों नहीं चलेगा रोड पे? कोई किसी को पाबंदी रहेगी? सिर्फ दुकान की बात करें, वो भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कपड़े की दुकान बंद हो, यहाँ पे बर्तन की दुकानें बंद हो, बर्तन की दुकानें बंद हो, हम ये चाहते हैं कि चप्पल की दुकानें बंद हो, जितनी सब दुकानें होती है वो सब बंद हो, जो कानून में बनता है 10 बजे के बाद बंद होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत जरूरी है, हमारा माइंड बन गया है ये बहुत शान की बात है, रात भर जागना और रात भर ऐसा घूमना फिरना ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि रात में इशा के बाद सो जाया करें, तो ये सब बहुत अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये चीजें अजीब है नहीं, ये दुनिया की हकीकत। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस अभी रात के समय कार्रवाई नहीं करती, जो लोग घूमते हैं उनको हटाती नहीं क्या? लेकिन पुलिस को मैंने कल तो कार्रवाई करते हुए नहीं देखा, कल मैं यहाँ पे 2:30 बजे था, मैंने कार्रवाई, लड़के अभी भी बैठे थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कार्रवाई नहीं हो रही, जेल में मत डालो। कहाँ बैठे थे? घर भेजो। कहाँ बैठे? शिमला बाग के नाके पे, मैं शिमला बाग में रहता हूँ, मैं शिमला बाग की बात कर रहा हूँ, शिमला बाग के नाके वहाँ पे अभी भी लड़के गार्डन के पास कोने में, इस तरह कुछ कोने में, उस कोने में बाइक के पीछे बैठे रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब से रोड पे जो बच्चे लोग रहते हैं, यहाँ मुमरा स्टेशन से लेके आप मुमरा स्टेशन उतरो, सब सामने होटल खुली रहती है, सब रात भर वहाँ पे टाइम पास करते रहते हैं। सफर करने वाले लोग उतरते हैं, किसी को भूख लगी है तो होटल में खाना नहीं खाएगा। सफर वाले नहीं रहते, मुमरा स्टेशन से लेके कौसा शिमला पार्क तक आपको पब्लिक ही पब्लिक नहीं है, बल्ली मलाई वाले छोटे छोटे काम करते हैं, तो वो लोग खाने वाले घूमने वाले, बोला बल्ली मलाई वाले हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सफर से ट्रेन में 1 बजे रात तक ट्रेन चलती है, लोग उतरते हैं, अगर होटल खुला है, भूख लगा, किसी को प्यास लगी है, तो पानी उसको नहीं चाहिए, कार्रवाई में डालने की बात नहीं है, घर भेजने की बात करें। अब कार्रवाई के मतलब ऐसा सोचेंगे हम बोल रहे कि भाई इनका FIR कर दो, ऐसा नहीं है, उनको जागरूकता करें लोगों के बीच में कि आज से शुरुआत हो जाओ कि कोशिश करके जल्दी खाए और जल्दी सो जाए, 10 बजे दुकान बंद हो जाएगी, माइंड बना लो कि चप्पल नहीं मिलने वाली है, कपड़ा नहीं मिलने वाला, माइंड बना लो, अभी से माइंड बनाओगे तो 1-2 साल के अंदर आप सीख जाओगे कि भाई आपको करना है, क्योंकि ये 15-16 साल 20 सालों से ये सब चल ही रहा है, अभी इसको इतने आसानी से नहीं होगा, मगर माइंड आपको अभी से बनाना पड़ेगा। तो खाली सोने के लिए दुकानें बंद हो जाए? सोने, हाँ, तो फिर फजर में उठेगा ना, अल्लाह अल्लाह करेगा ना, काई के लिए करेगा नहीं, ऐसे ही करेगा क्या? जहांगीर भाई हमारे तो इस बारे में राय देंगे। मसला देखिए ऐसा है कि अभी जैसे आपने सवाल किया था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हालांकि मैंने एक कॉर्पोरेट जिंदगी भी जी है, ठीक है, और एक कॉल सेंटर की भी लाइफ मैंने देखी हुई है, मेरे काफी दोस्त अहबाब हैं जो कोपर किरने में, वाशी वगैरह में लोग रहते हैं, अगर आप वहां का माहौल देखोगे जाकर के, बहुत बहुत लेट, जो जरूरत की चीजें, जो एसेंशियल चीजें हैं, जैसे दूध हो गया, ब्रेड हो गया, या मान लीजिए आप मेडिकल हो गया, जहां पर इमरजेंसी किसी भी वक्त किसी भी चीज की इमरजेंसी पड़ सकती है, तो वो सुविधाएं आपको वहाँ उपलब्ध होती है, मिल जाती है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे वाशी, कोपर किरना, नवी मुंबई के जितने भी एरिया है, तुर्बे है, सानपाड़ा है, अगर वहां आप जाकर के देखेंगे तो ज्यादा करके जो लोग हैं वो 10-10:30 बजे तक मैक्सिमम दुकानें सारी बंद कर दी जाती है, और वहां पर आपको नुक्कड़ में बैठे हुए चार बैठ करके हंसी मजाक करते हुए। दूसरी चीज, उसका असर ये पड़ता है हमारे समाज पर कि जो लोग जो सुबह उठ के, जैसे आपने कहा सुबह 5 बजे भी लोग काम पर चले जाते हैं, तो उन लोग जो सुबह काम पर सुबह 5 बजे जाने वाले, अगर उसके घर के नीचे खड़े रह के चार लोग हा हा हू हू करेंगे, वहां सिगरेट पियेंगे और जोर जोर से चिल्ला पुकार करके बात करेंगे, तो बाज वक्त तो उमरा के अंदर माहौल ऐसा हो गया कि भाई मजाक में एक दूसरे से लड़ जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और अपमानजनक बातें कर रहे हैं, तो उनसे क्या हो रहा है, उनकी नींद में भी डिस्टर्ब हो रहा है, प्लस उनके घर का माहौल सही नहीं हो रहा है, जो उनके वर्क एनवायरमेंट पे भी अफेक्ट कर रहा है और उनकी पर्सनल लाइफ पे भी अफेक्ट कर रहा है। जो लोग कामगार हैं, जो सुबह 5 बजे जाते हैं, तो वो आ भी जाते हैं 3-4 बजे तक घर अपने, ठीक है, चलो उनकी तो लाइफ स्टाइल एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी है,
आपने जैसे सवाल किया कि जो वो लोग हैं जो रात में लेट आते हैं काम पे से, 11 बजे आते हैं 12 बजे आते हैं, तो भाई अगर उनको भूख लगी है तो वो भी तो कुछ लेकर खाएंगे, जाहिर सी बात है आप या हम हो तो भूखे तो सोएंगे नहीं, कुछ खाकर ही इंसान सोएगा रात के टाइम पे। मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, कि जो लोग ऑफिस से निकलने से पहले अपना ऑर्डर ऑफिस में मंगा करके ऑनलाइन, अपना जहां वो लोग जॉब करते हैं, यहां तक कि जो लेबर कैटेगरी का लेवल का बंदा है ना, मैं उससे आपको मिलवा सकता हूँ। वो बंदा अपने लिए पहले बंदोबस्त करके तब अपने घर आकर के सुकून से फ्रेश होके नहा धो करके चाय नाश्ता माफी चाहूंगा खाना वगैरह जो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, जो पार्सल ले आते हैं, वो खाकर अपना इत्मीनान से सो जाते हैं, क्योंकि उनको दिन का टाइम मिलता है सोने का, आराम करने का। दोपहर में अपना खाना बना करके भी कुछ लोग जो स्टॉक करके रात के लिए रख कर जाते हैं कि भाई टिफिन भी लेके जाऊंगा रात में आके खा भी लूंगा, उसमें दो चीजें हो जाती है, दो चीजें ये हो जाती है कि उनका पैसा बच जाता है। अभी आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं बेचारे जो मुंबई के अंदर कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, दूसरे सेक्टर्स में भी काम करते हैं, जो पुणे से आकर यहाँ शिफ्ट होकर रह रहे हैं, जो पीजी पे रह रहे हैं, और जो है मेरे ख्याल से अलग अलग जगह से आकर के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। मैं मुंबई में भी काफी लोगों से आपसे मिलवा सकता हूँ, अमृत नगर में है तो है, उन लोग का ऑर्डर लेके वहां से आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रोज पैसा नहीं पाते, रोज को आके बनाना खाना रहता जी, तो वो बोलना तो उसमें क्या होता है ना, उधरी से बना के लेके आए। नहीं देखिए कैसा होता है कि अगर आपको पता है कि भाई मेरा रोजगार है वहां पे, मेरे को ड्यूटी देना, मेरा ये टाइम है और ये ड्यूटी मेरी जरूरी है, उसी से मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है, करेक्ट, ठीक है। आपका जो प्रश्न है उसका मैं ये कहना चाहूंगा, जवाब ये देना चाहूंगा कि लोग जो है, मैं ऐसे भी लोग हैं जो अपना स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। अगर जैसे आप कह रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए आप कह रहे हैं जो बेचारे अकेले रह रहे हो, जिनको खुद ही कुआं भी खोदना है, खाना भी खुद ही खाना है, खुद ही पकाना है, खुद ही काम भी करना है। अगर उनके एतराफ में कोई साथ में पीजी में कोई रह रहा हो या ना रह रहा हो, या घर में कोई फैमिली मेंबर्स हो या कोई महिला उनके घर में हो ना हो, तो जिनको खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है और जिनको खुद ही कमाना है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा करके लोग स्टॉक करते हैं। देखिए हम दुकान कंप्लीट शट करने के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं इस्लामुद्दीन भाई, हमारा कहना यह है कि अभी काफी कुछ दिनों से जो है कुछ शिकायतें जो है हम लोगों तक आ रही थी, कुछ लेडीज भी है उसके अंदर, कुछ जो है माँ बाप जो है बच्चे को जो गार्डियंस है वो भी लोग हैं, जो लोग वो आकर के कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो जहांगीर भाई कुछ कीजिए, 2 बजे कभी 3 बजे कभी 4 बजे बच्चा घर पे आता है। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि पुलिस उनके इस तरह की कार्रवाई करे कि वो लोग और परेशानी में आ जाए। नहीं देख ऐसा है, बच्चा घर पे क्यों नहीं आता, वो माँ बाप की भी गलती है ना, तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं ऐसी परवरिश दिए क्यों तुम्हारा कहना माने, बिल्कुल जो तुम कहो वही माने, वो वही कहे वही सुने वही बोले जो तुम बोलो। यानी पुलिस क्या सबके बच्चों की वो होगी क्या, सबके बच्चों को एक एक करके घर पे ले जाके डालेंगे? पुलिस का काम पुलिस का काम ये नहीं है कि बच्चों को जो उनके घर घर ले जाकर छोड़ कर आए, पुलिस का काम ये है। ऐसा हो गया माहौल कि खाली पुलिस पुलिस को बोलो पुलिस हमारे बच्चों को घर भेजे, माँ बाप जो है बोलते पुलिस भेजेगी हमारे बच्चों को घर, है ना? बात ऐसी नहीं है, बात ये है पुलिस, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि पुलिस जो है वो घर घर जाकर बच्चों को उनके घर घर ड्रॉप कर कर आए। नहीं, पुलिस अगर सिर्फ सख्ती बरते ना इस शहर के अंदर, अगर माँ बाप बरत दे ना तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चे इतने सुधरे रहेंगे। उनका पीरियड आपने देखा है, पुलिस का ही डर था। हमारे शहर की मुमरा की पुलिस जिस हिसाब से बढ़िया काम करती थी मुमरा में और करती है अल्हम्दुलिल्लाह, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी क्राइम रेट कम है। पुलिस अभी भी बढ़िया काम करे, रात में जो घूमते हैं उन पे कार्रवाई भी करती है, हो रही है और सब कुछ करती है, आज भी हो रही है। देखिए अगर आप मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो सिगरेट है गुटखा है लोग बैठ करके हा हू करते हैं, मैंने देखा है कि लोग जो 12 बजे 1 बजे भी सिगरेट लेके स्टॉक करके लोगों के नीचे घरों के बालकनी के पास खड़े रहके हा हू करते, ये एक अच्छा सोसाइटी नेचर नहीं पड़ता है। वही सिगरेट गुटके का समय 11 बजे के बाद बंद करने का और दुकानें पहले बंद हो जाती है। मसला था है ना, दूसरा जो मसला था स्कूल वाला, स्कूल का मसला ये था कि अगर आप ज्यादा करके अगर आप मान लीजिए कलवा का जो म्युनिसिपैलिटी जो स्कूल है जो टीएमसी का स्कूल है उसके अगर आप एतराफ में देखेंगे तो 300 मीटर तक के कोई पान की दुकान गुटखा खाकर किसी को थूकता हुआ आप नहीं देखेंगे। मुमरा के अंदर चाहे आप जीआर पाटिल ले लो, चाहे आप एमएस कॉलेज ले लो, चाहे आप मैं कहता हूँ क्वीन मैरी ले लो, तो जितने भी बड़ी सेंट मैरी स्कूल ले लो, जितने भी बड़े जो स्कूल्स हैं जो एजुकेशन गलती किसकी है? देखिए कैसा है ना कि मैं
गलती किसकी है? आपके चैनल के माध्यम से अरे कितना अवेयरनेस फैलाओगे? लोगों को समझ नहीं है कि ये स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं। हम यहाँ गुटखा नहीं बेचे, हम यहाँ नहीं थूके। एक एक आदमी को पकड़ के बोलोगे, समझाओगे, कितना समझाओगे? बिल्कुल आपका कहना सही है इस्लामुद्दीन भाई। देखिए अलवा के लोग नहीं थूकते, थाने के लोग नहीं थूकते, कितने समझदार है, जानकार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ होता है तो मुमरा के लोग आते हैं, हम जानकार हैं। मुमरा में भी बहुत लोग समझदार हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से माहौल खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो ये माहौल के ऊपर ही मैं आपको ये कहना चाह रहा था। जैसे आपने कहा कि घर के बच्चे जो है उनके माँ बाप से जो उनको तरबियत वैसी मिलना चाहिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक माहौल जो होता है वो घर से बाहर का माहौल होता है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि पुलिस को बोलो कार्रवाई करे, रात में मेरा बेटा घर पे आ जाता है, एकदम खुश हो जाते हैं माँ बाप। नहीं नहीं, आप वो बेटे की नजर में माँ बाप की कोई अहमियत नहीं। नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है इस्लामुद्दीन भाई। मैं हम ये नहीं चाह रहे, मैंने जो शुरू में बीच में आपको कहा था, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि पुलिस जो बच्चों को पकड़ पकड़ के उनके घर तक ड्रॉप करके आए। नहीं, पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ जो है थोड़ा कानून को सख्त कर दे एक्स्ट्रा। जैसे बीच में था कि तीन लोग साथ में दिखते थे तो पुलिस वहां सवाल करती थी, पूछताछ करती थी, एक्शंस भी लिए जाते थे कि भाई इस समय के बाद आप लोग तीन लोग साथ में बाहर क्या कर रहे हो। ठीक है ना, अगर दो लोग है, एक लोग, अगर कोई आदमी रोड पर वॉक कर रहा है, भाई काम पे से आ रहा हूँ या मैं मेडिकल गया हुआ था और डॉक्टर से मुलाकात करने गया था, कोई इमरजेंसी हो गई थी, वो अलग कहानी है इस्लामुद्दीन भाई। लेकिन अगर बेवजह रोड पे नुक्कड़ों पे खड़े होकर हा वो करना, ये एक अलग चीज होती है, समझ रहे हैं आप? तो मसला ये था लोगों तक अवेयरनेस और पहुंचाना था, एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से हमको पहुंचाना था, हमारे मुमरा के शहर को लेकर के एक फिक्र थी हमारे अंदर, हमने सोचा कि बस आपके जरिए उस चीज को पहुंचाया जाए लोगों के तक। तो जिस तरह से मुस्लिम लीग पार्टी की मांग है कि जो रात के समय में कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हैं, ग्रुप बनाकर उन पर कार्रवाई हो, बल्ली मलाई के ठेले लगाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो, उनकी ऐसी मांग भी है कि रात 10 बजे के बाद जो है वो दुकानें बंद कर दी जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंबई से आते हैं, उनको जरूरत पड़ती है, सफर करते हैं, होटलों में खाना खाना रहता है, 12 बजे तक वैसे भी मुमरा शहर में लगभग होटल है या फिर और भी दुकानें हैं वो लगभग बंद ही हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है मुमरा पुलिस में जो है लेटर दिया गया है और मांग की गई है 10 बजे के बाद दुकानें बंद कराई जाए।